अजीज दोस्तों और साथियों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मुकाम का सैर करवाने जा रहा हूं जो कि तारीखी एतबार से बहुत ही अहमियत का हामिल है। जी हां, मैं इस वक्त मौजूद हूं एक ऐसे टीले पर जिसको लीव कोट कहते हैं, यानी कि चमकता हुआ कोट। यानी कोट वो मुकाम है जहां पर गुज़िश्ता अदवार में मुख्तलिफ अक़वाम आके यहाँ पर आबाद थीं, मुख्तलिफ कबाइल यहाँ पर आबाद थे, और वो कबाइल एक फोर्ट्रेस मॉडल में रहा करते थे। क्योंकि इसकी वजह यह थी कि फोर्ट्रेस मॉडल को अपनाने की बुनियादी वजह यह थी कि क्योंकि बैरूनी दुनिया से हमले हुआ करते थे, तो लोग या कबाइल उन मुकामात पर, उन ऊंची टीलों पर चले जाते थे जहाँ पर वो महफूज रह सके। और ये भी सेंट्रल हुंजा और नासिराबाद का के पुराने दो नाम हैं, हिनी और उससे पुराना नाम मनिशमल है। और ये बहुत ही एक तारीखी इलाका है, एक तारीखी गांव है, और इस गांव की जो तारीख है वो हज़ारों साल पर मुहित है। तो यहाँ पर जो एक्सकेवेशन हुई हैं उससे हमें ये जो आसार हमें मिले हैं मुख्तलिफ एक्सकेवेशन के नतीजे में, तो उन आसार से ये पता लग रहा है कि ज़ेर ज़मीन जो नवादरात मिली हैं, उन नवादरात की रोशनी में अगर हम कह सकते हैं कि गंदारा वैली की जो सिविलाइजेशन थी उसकी एक्सटेंशन थी इन पहाड़ों तक, उस तहजीब के आसार मौजूद हैं, मिलते हैं। अगर हम मिडिवियल पीरियड की बात करें तो मिडिवियल पीरियड में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर तब्दीलियाँ रूनुमा होती रही हैं। ये एक कॉरिडोर है और ये कॉरिडोर बेसिकली सिल्क रूट का कॉरिडोर कहा जाता है। इस सिल्क रूट से, चाइना से सिल्क लाकर इसी रास्ते से नीचे के इलाकों में वो ट्रांसपोर्ट किया जाता था, और उसके बाद से वो सिल्क जो है सब कॉन्टिनेंट और उसके आगे मिडल ईस्ट और यूरोप के ममालिक में वो सिल्क जो है एक्सपोर्ट हुआ करता था। चाइना एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी चाइनीज़ की, और वहाँ से जो मसनूआत हुआ करती थी वो इन्हीं रास्तों से, इसी सिल्क रूट से जो हमारी दामनों में से गुज़रता है, वो सिल्क रूट यहाँ से मगरिब तक की सप्लाइज़ हुआ करती थी। तो आज मैं जिस टीले पर मौजूद हूँ, इस टीले का नाम है लीव कोट। लीव कोट का मतलब ये है कि चमकता हुआ वो मुकाम या वो गांव या वो इलाका या वो फोर्ट्रेस जहाँ पर चंद लोग आबाद थे, चंद कबाइल आबाद थे, या उस कबीले के चंद घराने आबाद थे, तो उसी मुकाम पर हम मौजूद हैं। जो तारीख इससे पहले जो चली आ रही वो सीना बा सीना तारीख थी, और बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ पर कोई आर्कियोलॉजिकल या एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी उस तरह से नहीं हुई है जिसको हम बुनियाद बनाकर ये कहें कि ये एक्चुअली यहाँ पर जो कबाइली कौमें आबाद थी उनकी तारीख इतनी पुरानी है। लेकिन अगर मजमूई तौर पे हम गंदारा वाली सिविलाइजेशन की बात करें तो लगभग ये 3000 साल पुरानी तारीख है, इंसानों की तारीख है, यहाँ पर इंसान बसते रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है फिदाली साहब जो कि काफ़ी नज़र रखते हैं, गहरी नज़र है इनकी तारीख के ऊपर। इनसे हम पूछेंगे कि इस इलाके में जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पर रोनो नामी एक कबीला आबाद था, और उसके फिर जो सब कबीले थे वो नीचे के इलाकों में भी आबाद थे। तो इनसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो रोनो थे वो यहाँ पर आके क्यों बसे, इसकी बुनियादी वजह क्या थी, और इन रोनो को किसने यहाँ से पसपा किया, कौन लोग आए और फिर आके एक नई आबादी यहाँ पर बसी। आप ये बताएं कि यहाँ जो रोनो आबाद थे, इस हवाले से हमें कुछ आगही देंगे। रोनो के बारे में हमने जो सुना है वो ये है कि आज से कोई 1000 साल पहले यहाँ पर रोनो के 7 कबीले आबाद थे। उनमें से एक कबीला यहाँ पर रहता था जिनको मचे कहते थे। रोनो का ही एक कबीला होता था, एक कबीले नीचे उस टेले पे होते थे, वहाँ से वो सामने वाले एरिया में आबादी करते थे, और ये वाला कबीला जो था ये सामने जिसको हम थोल कहते हैं, यहाँ पर इनकी आबादी हुआ करती थी। ये यहाँ से थोल जाते थे, दिन को आबादी करके शाम को वापस अपने घरों में यहाँ पर आ जाते थे। और ये इस टीले पे जो रोन आबाद थे ये सामने वाला एरिए को अभी हम फतुशेन कहते हैं, लेकिन उस ज़माने में इसको गजीमल कहते थे, और इस गजीमल में उनकी आबादी हुआ करती थी, और वो वापस अपने घरों में आते थे शाम को। तो उसके बाद जब ये रोन आपस में एक लड़ाकू किस्म के कौम थे, आपस में लड़ते रहते थे, तो इनकी आपस में लड़ाइयाँ होते होते तकरीबन बाकी कबीले ख़त्म हो गए, एक ही कबीला जो यहाँ पर रहता था मचे जिनको कहते थे वो रह गए थे। तो उस दौरान हमारे तीन मुख्तलिफ जो हम यहाँ पर तीन बड़े बड़े कबीले आबाद हैं, शीन, अच्छा डुड़िए और तरते, तो इनके दादे गिलगित एक तो हंदरब से आया है सुनने में, हमने ये सुना है, एक पड़ी से आया है और एक चिलास मेलगु से आया है।
ये तीन दादे यहाँ पर आने के बाद उन्होंने रोनु जो यहाँ पर इस टेले के ऊपर जो रोनु आबाद थे राजू से मिलके उस वक़्त इन्होंने इनको यरगमाल बना के इनको ख़त्म किया। यहाँ पर ख़त्म करने के बाद वो तीन दादों ने इस नासिराबाद की ज़मीन को आपस में बांट लिया और यहाँ पर उन्होंने अपने घर बसाए और उस वक्त से अब तक कोई 14-15 पुश्त का टाइम हो गया है। यहाँ जो रोनु आबाद थे, जो कबीला रोनु का आबाद था, जो आखिरी जो पड़ाव था बाहर से, उनको यहाँ पर शिकस्त मिली, उसके नतीजे में वो ख़त्म कर दिए गए। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ जो लोग बस रहे थे तो उनका खाना, उनका पानी, ये कहाँ से आता? जो रोनु यहाँ पर आबाद थे उन्होंने अपनी अपनी आबादियाँ, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि इनकी आबादी सामने वाले इस एरिया में हुआ करती थी, इनकी आबादी इधर होती थी, वो वहाँ से अपना खुराक राशन वगैरह इधर लेकर आते थे। इनके पीने के पानी का निज़ाम इधर से पीछे नाले से वो पीने का पानी लाया करते थे यहाँ पर। बाकी आबादी के लिए वो पानी इधर से नीचे चैनल था, चैनल के थ्रू उधर पानी जाता था, तो वहाँ पे वो अपना आबादी वगैरह करते थे। ये उनका बसेरा था, ये उनका मस्कन था, मस्कन ये उनकी जगह थी। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो नीचे दीवारें बनाई गई, फसीलें हमने देखी हैं और हमने साथ ये छोटे छोटे टावर्स भी देखे हैं, आप ये बताएं कि ये अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने इसकी तामीर की थी? बिल्कुल, इन्होंने बनाया भी यहाँ पर, इन्होंने अपना जो मस्कन बनाया था या अपना कोर्ट बनाया था या अपना किला इन्होंने यहाँ पर बनाया था। इसके चारों तरफ इन्होंने खुसूसन उस एरिए में जिधर से बंदे को चढ़ने के लिए आसानी होती है उस एरिए में इन्होंने दीवार बनाई थी, और बाकी जो जिस साइड से मुश्किल था उस एरिया में कोई दीवार इन्होंने नहीं बनाया है। जिधर से लोग उस ज़माने में मुख्तलिफ जगहों से लोग आकर इनके ऊपर यरगमाल होते थे, इनके ऊपर अटैक करते थे और इनको मतलब इनकी जायदादें वगैरह जो इनके पास है वो लूट लिया करते थे, तो इन्होंने ये इसलिए ये जो सामने बड़ी दीवार बनाई है वो ये जो है ना, यहाँ पर उस वक्त हथियारों का शायद निज़ाम नहीं था, तो यहाँ पर ये पत्थरों से बोल्टरों से जिससे जो लोग आ रहे थे आ रहे होते थे उनका मुकाबला किया करते थे और बोल्डर लटकाते थे, पत्थर लटकाते थे, जिस वजह से आने वाले जो हमलावर होते थे वो वापस होते थे, वो पसपा होते थे, पसपा होते थे। अच्छा, ये बताएं कि कुछ एक्सकवेशंस भी हुई हैं, डिग आउट किया है ज़मीन की खुदाई के नतीजे में। कुछ हमने सुना है कि नीचे गांव में कुछ कड़े मिले हैं, कुछ ऐसे नवादरात मिले हैं, क्या इसकी आप तस्दीक कर सकते हैं कि वाकईतन नीचे कोई इस तरह की आबादी गुज़िश्ता अदवार में रही है और वो तारीखी एतबार से बहुत अहम है? बिल्कुल, गुज़श्ता कोई 3-4 साल पहले नीचे आबादी में एक खुदाई के दौरान कोई 15-16 फुट गहराई से एक इंसानी ढांचा बरामद हुआ था जिसके साथ ये नवाजरात लगे हुए थे। उनकी एक्चुअल एज का हमें नहीं पता है, लेकिन वो थे बहुत पुराने, कम से कम हज़ारों साल पुराने वो लग रहे थे, तो वो उन्होंने किसी को दे दिया है। तो उसके अच्छा, अभी बताएं कि एक दिलचस्प बात मैंने मुझे सुनने को मिली थी कि उनकी ख्वातीन जब वो काश्तकारी करते थे, आगे सब्जियां उगाते थे या दीगर काश्तकारियां करते थे, तो यहाँ से खाना बना के जो वुडन या लकड़ी के जो बर्तन होते थे उन बर्तनों के अंदर वो खाना यहाँ से पानी में डालती थी तो खाना पहुँच जाता था आगे जो लोग काम करते थे खेतों में, क्या ऐसा भी है? बिल्कुल ऐसा हमने सुना है। हिंदी मनीषमल कहते हैं, आज जहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है जिसको खूकुश कहते हैं, वहाँ पर लोग तैरने के लिए भी लोग आते हैं, उस जगह में पुरानी उनकी सबसे पुरानी आबादी वहाँ पर हुआ करती थी और इस नाले से चैनल था उधर के लिए, पुल बना हुआ था और इस पुल के थ्रू यहाँ से इन्होंने अपनी रोटियाँ छुटियाँ इनकी बेवियाँ पका के वो उन बर्तनों में रखती थी और ऊपर से कोई उनका अपना बर्तन की पहचान थी, यहाँ उस पुल में रखते थे, तो वो पानी इनकी जो है उस जमाने के जो हॉट पॉट हुआ करते थे उनको पानी में वो तैरते हुए उधर तक पहुँचती थी। तो वहाँ पर खेतों में काम करने वाले मर्द हजरात आकर अपना टाइम पर उधर आते थे और अब पानी से अपना बर्तन पहचान के निकालते थे और वहाँ पे वो अपना खाना वगैरह का इंतजाम करते थे और शाम को फिर वो इधर आते थे। जी हाँ, ये थी टेक्नोलॉजी, उस दौर की टेक्नोलॉजी, यानी कि लकड़ी के बर्तनों में यहाँ की खवातीन यानी कि रोनु कबीले की खवातीन उनको खाना पहुँचाया करती थी, यानी कि उस वक्त के हॉट पॉट हुआ करते थे, उसका ढकना भी होता था, उसके अंदर खाना होता था, वो जो वाटर चैनल है उसके ऊपर रखती थी तो वो पानी के अंदर तैरते वो खाने आगे चले जाते थे और वहाँ से जो लोग खेतों में काम करते थे, जो काश्तकारी करते थे, और वो वहाँ से खाना उठा के वो खाना खा लेते थे और शाम के वक्त फिर इसी मुकाम पर आके ये उनका बसेरा था, ये उनका मस्कन था, ये उनका कोर्ट जिसे हम कहते हैं या ये कासल जिसे कहते हैं ये उनका था, यहाँ आके रहते थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा किला तो नहीं, अलबत्ता ये एक फोर्ट्रेस मॉडल है, यहाँ पर बैरूनी दुनिया से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती है,
एक ही रास्ता था जहाँ से एंट्री हो सकती थी, जहाँ पर इन्होंने दीवारें खड़ी की और इस तरह से उन्होंने अपनी हिफाजत की और एक तवील अरसा उन्होंने यहाँ गुजारा, यहाँ काश्तकारी की। बाद हजां जब बाहर से तीन कबाइल आ गए, तीन कबीलों के जो सीधा सीधा लोग आए, तो उन्होंने यहाँ के इस इलाके के जो रोनू कबाइल था उसको डिफीट करके इस इलाके को फतह कर लिया। उसके बाद से रोनू जो थे पसपा हो गए और यहाँ से उनको ख़त्म किया मुकम्मल तौर पे। आप ये बताएं कि गो कि ये रोनू जो कबाइल था ये बाहर से आके यहाँ आबाद था, तो आप ये बताएं कि इस वक्त भी क्या रोनू कबाइल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है? बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रोनू अभी भी मौजूद हैं। गिलगित में कर्नल मिर्ज़ा हसन ख़ान, जो गिलगित की जंग आज़ादी का एक बेहतरीन हीरो गुजरा है, वो रोनू ही है। और उसके बच्चे जो कर्नल मिर्ज़ा हसन ख़ान के बेटे हैं, कर्नल वजाहत है, कर्नल खुर्रम है, तो ये सारे रोनू कबीले के लोग हैं। और सामने हमारे सामने वाला जो नगर का इलाका है, यहाँ पर अभी भी रोनू के लोग आबाद हैं। रोनू यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। ये राजों के बाद दूसरी सबसे अफजल नस्ल तस्वूर की जाती थी उस वक़्त भी, और अभी भी इनकी बहुत जो है ना लोग इज्जत करते हैं। अमरेली भाई, आप ये बताएं कि इस इलाके में आपका कबीला भी, जिसे धर्मतिंग कहते हैं, एक ज़माने से आबाद है, आप ये बताएं कि क्या यहाँ पर आपका कबीला कब से यहाँ पर आबाद है और इस हवाले से कुछ बताएंगे? हमारा कबीला कबाइल धर्मतिंग इस नासिराबाद में रोनू को भगाने में भी हमारा किरदार था। हमारा दादू सिंह सिंगई कोर्ट, जहाँ अभी डिस्पेंसरी सिविल डिस्पेंसरी के करीब करीब कोर्ट था, उसने अपने बच्चों को मरवा के बाद में उसका एक बेटा दलतस मुलुक कहा जाता था, वो भी मर के उसकी ख़ानदान यहाँ मौजूद नहीं रही। बाकी उसके कबाइल हम सेंट्रल हंजा में आज भी मौजूद थे। उसके बाद हमारा दादा फैसल नाम का फैसल्ला बेग, इस इलाके के आला नंबरदार या उस जमाने के तंगफा कहा जाता था, तंगफगी थी। हम रिसेंटली ज़मीन हमारे पास 200 साल से यहाँ पे ज़मीन मौजूद थे, हम यहाँ सेटल नहीं हुए थे। हमारे कुछ कबाइल के हिस्से शायद कोई 1935 में यहाँ माइग्रेट हुए थे, हम 1963 में वापस आके यहाँ माइग्रेट हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम नासिराबाद के बाकी कबाइलों के साथ भाइयों की तरह खुश असलूबी से यहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तीनों कबाइल आके यहाँ आबाद हुए और इनके आपस में ये जो नस्लें हैं चली आ रही हैं, बाहर से भी लोग हमारे अपर हंजा और सेंट्रल हंजा से भी, खसूस सेंट्रल हंजा से लोग आके यहाँ बसने लगे और इनके आपस में रिश्तेदारियाँ शादियाँ हुई और आज ये नासिराबाद, जिसे हम इन्हीं कहते हैं, जो मनीषमल के नाम से जाना जाता था, और ये गांव, इस गांव की इस वक्त कुल आबादी 750 से ज़ायद घराने यहां पर मौजूद है। मजमूई तौर पे 5000 के लगभग नफूस पर मुश्तमिल ये गांव है और तारीखी गांव है। आज मैंने इस गांव के हवाले से आप दोस्तों को आगे ही दी और एक और मुकाम से कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नए मालूमात के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।